जय श्री राधे कृष्णा। आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कि हमें जब भी हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एकता बंसल, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है और ये यहाँ पर ये टी फेसिंग है। मीन्स टी फेसिंग क्या होता है कि एक आपके मकान के सीधा सामने से सड़क आ रही है, इस प्रकार से सड़क जाए। एक तो इस प्रकार से डायरेक्ट आ रही है सड़क और यहाँ पे आपका बंद है, और एक होता है इस प्रकार से भी जा रही है सड़क। अगर मान लीजिए आपका घर इस प्रकार का है और यहाँ पर सड़क नहीं है तो ये बिल्कुल टी पे आ गया, तो इस प्रकार के जो प्लॉट होते हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम जितने भी लोग आते हैं अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, तो बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ होती है ना वो इस प्लॉट को हिट करती है। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी ऐसे प्लॉट्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बहुत लंबे समय से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, लाइफ के अंदर कोई तरक्की नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। और अगर इसमें और ज़्यादा बुरा जब जा हो जाता है, अगर ऐसी ही सड़क के बिल्कुल सामने फ्रंट गेट आ जाते हैं तो उनका बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर फ्रंट गेट फिर भी थोड़ा साइड में है तो फिर भी थोड़ा सा बच जाता है, बट नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है, तो इस प्रकार के घरों को लेने से अवॉइड करना चाहिए। बट अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और बताती हूँ, इस प्रकार का घर है बट इसके पीछे यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से रास्ता है, तो आप इस यहाँ का एंट्रेंस ना ओपन करके आप यहाँ का एंट्रेंस ओपन कीजिए और इस वाली वॉल पर आप वास्तु की रेमेडी कीजिए, तो वो आपको काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी होती है उसको वो कम कर देती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।